हेलो फ्रेंड्स, देख के पता चल गया ना कि आज की क्लास क्राफ्ट की है और ये मैंने बनाया है लेफ वाला एनवलप। ओके, अगर हम किसी शादी में या फंक्शन में जाते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम एक छोटा सा पीस लेके इस तरह के एनवलप बना सकते हैं। देखो, इसको हम ओपन करेंगे ना तो इस तरह से वो ओपन होगा और यहाँ पे हम पैसे या ग्रीटिंग कुछ भी रख सकते हैं और इसको इस तरह से रख के वापिस इसको फोल्ड करके यहाँ पे ग्लू या सेलो टेप चिपका के इस तरह से रख के उनको दे सकते हैं। है ना मजेदार? तो आइए हम सीखते हैं कि लेफ वाला एनवलप किस तरह से बनाते हैं। किसी भी एक कोने से पेपर को लेके इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से क्रीज कर लेनी है। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप वापिस इसको हम ओपन कर लेंगे। अब ये वाला साइड का पेज हम इस तरह से दूसरी साइड पे रख के फोल्ड कर लेंगे, बीच में से अच्छे से। तो ये हमारा सेकंड। थर्ड स्टेप, तो देख सकते हो यहाँ पे एक क्रीज है, तो इस क्रीज को यहां से इस पॉइंट को उठा के ये पॉइंट तक इस तरह से फोल्ड करना है हमें पेपर को पीछे की ओर और अच्छे से क्रीज कर लेनी है। ओके, आओ अब हम पेपर को इस तरह से कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे वापस। तो देख सकते हो यहाँ पे क्रीज है, तो ये वाले पॉइंट को इस क्रीज पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट फोल्ड, नाउ वापिस इसको ओपन करेंगे, फिर ये वाले पॉइंट को इस क्रीज पे फोल्ड करेंगे। सेकंड फोल्ड, नाउ अब इस फोल्ड को इस तरह से फोल्ड करेंगे। नाउ इस फोल्ड को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, अच्छे से फोल्ड करना है हमें। नाउ ये वाले फोल्ड लाइन को इस लाइन पे फोल्ड करेंगे। जितना हो सके आप फोल्ड कर सकते हो, जितनी छोटी लाइन होगी लीव्स उतनी ही अच्छी बनेगी। नाउ अब हम एक और बार फोल्ड करेंगे इसको अंदर की ओर। ध्यान रखना है कि लाइन हमारी अच्छी बनी रहे। ओके, ओपन कर लेंगे तो इस तरह से क्रीज बन जाएगी। फिर हम इस क्रीज को इस तरह से फोल्ड करते करते जाना है आगे पीछे और लास्ट में इस तरह से रख देनी है, तो सारी क्रीज इस तरह से हो जाएगी। ओके, नाउ अब इसको हम उठा लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से। ओके, और इस दोनों को मिला लेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा लीव कंप्लीट हो गया। अब इस पेपर को हम इस तरह से रख देंगे इस तरह से। ओके ओके, देखो अब देखो तो यहाँ पे जो क्रीज जा रही है ना, तो उस क्रीज से हम पेपर को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखना है कि लाइन सही, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम वापस ओपन करेंगे, फिर ये वाली लाइन को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस लाइन पे अच्छे से रख देंगे। ओके, और इसको वापस से फोल्ड कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा लीव वाला एनवलप कंप्लीट हो गया है।
अब इसको हम वापस ओपन करेंगे, फिर हम ग्लू लेंगे और यहां से थोड़ा सा लेके इसके नीचे यहां पे चिपका देंगे और इसको अच्छे से लगा लेंगे। तो होप सो आपको आज की क्राफ्ट क्लास पसंद आई होगी और कुछ नया सा सीखने को मिला होगा। ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए रोजिंदा ऐसी मनचाही वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।